ओके, दिल्ली के लड़कों के लिए अगर एक वर्ड आप यूज करना चाहो तो कौन सा होगा? शाणे. शाणे यानी शाणपत्ति. अरे भाई, दे ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट बट दे आर नॉट ओवर स्मार्ट, दे आर जस्ट स्मार्ट एंड ऑल. हमारे दिल्ली के लड़कों में ना एक ये बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है, या आई डोंट नो व्हाट इज दैट, पर दिल्ली के लड़के गालियां बहुत देते हैं, ऐसा ये सच है या झूठ है? या भाई बनाते हर किसी को, दैट आई हैव भाई नेचर. हाउ डू दे टॉक जनरली? भाई टाइप्स, यू नो. या शान, या कौन सी गाली सबसे ज्यादा देते हैं वो? I never saw them. I never heard them talking to each other. Neither I'm very much into or interested in that. अच्छा, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको देख के पता चल जाता है कि ये दिल्ली का ही होगा? भाई मेरे को तो पता चल गया है दिल्ली का है. हेयर स्टाइल. ऐसे कौन से हेयर स्टाइल करते हैं? स्पाइक्स कलर्ड. या एग्जैक्टली. They are just very much updated with the trend. Delhi ki pehchan nahi hai ye of all the boys and the girls. They are very much updated with the trend. Trends, and they do not follow the trends exactly, but they like show off. Yeah, show off bahut hai. Even if they don't have, they'll show off full on. Aise kaun si cheeze sabse zyada boast karte hain hamare Delhi ke ladke? दिल्ली के, मतलब आपको कौन से लड़के को देख के पता चलना चाहिए कि हाँ भाई ये मेरा बॉयफ्रेंड बनने लायक है, मतलब डिसेंट है या क्या है? या फिर मैं इसे मम्मी से मिला सकूँ? जैसे ये मम्मी से मिलाने लायक है ये? नो, नहीं है. I'll be honest. She's an honest girl. Yeah. Apart from that, जो लड़कियों के लिए, जो आपके obviously guy friends होंगे, लड़के ऐसी कौन सा word है जो लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है? टोटा लग रही है. टोटा लग रही है भाई. और many of the words. माल लग रही है लड़की यार. और what do you want to hear? जो भी इस्तेमाल करते हैं वर्ड्स, खैर वो छोड़ो. कौन सी ऐसी चीज़ है तो दिल्ली के लड़कों में चेंज करना चाहो? यार ये मेरे को चेंज करना है, मुझे ये नहीं चाहिए इन लड़कों में. या एग्जैक्टली, वेरी गुड क्वेश्चन. उनकी नज़र लड़कियों की तरफ या कहाँ देखते हैं वो सबसे ज़्यादा? यार टुवर्ड्स द बैक. व्हेन शी गोज ऑफ देन. और जब वो सामने से आ रही है तो? नो, देन दे विल नॉट सी, देन दे विल जस्ट सी ऑन द ग्राउंड. व्हेन शी गोज ऑफ दे जस्ट सी लाइक दिस. तो ये चीज़ उनकी नज़र और सोच के बारे में अगर बात. या वेरी इंपॉर्टेंट. नॉट अबाउट दिल्ली ओनली, आई वांट टू चेंज. आई थिंक जितने भी लड़के ऑल ओवर द कंट्री, उनकी थिंकिंग लड़कियों के बारे में, मेंटालिटी शुड बी चेंज, दैट गर्ल्स आर फ्री टू रोम वेयर एनीथिंग दे वांट. तो सुन लो लड़कों, लड़कियों के लिए हम, मतलब हम लड़कियों को क्या नहीं चाहिए तुम में, वरना अपने ख्वाब छोड़ दो कि हम पटेंगे तुमसे भाई. अच्छा मुझे एक मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, मतलब हम जैसे लड़के होते हैं ना, उसमें हमेशा ये सोचते रहते हैं यार कि हमारी जो गर्लफ्रेंड है बेहतरीन हो. तो एक अगर मैं पूछूँ कि बेहतरीन लड़की कैसे पटाएं, तो क्या हो सकता है? अपनी सोच अच्छी रख के लड़की के बारे में, टू रिस्पेक्ट विमेन एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी ट्रस्टवर्दी विद हर. दैट्स इट. टू रिस्पेक्ट विमेन फर्स्ट ऑफ ऑल. नहीं, लड़के जो अक्षय कुमार का वो जो डायलॉग है वो बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं कि अगर तुम लड़की को इज्जत दोगे तो लड़की तुम्हें अपनी इज्जत देगी. या एग्जैक्टली, वही तो. रिस्पेक्ट विमेन. इफ़ यू रिस्पेक्ट हर, शी इज़ योर्स इन एनी वे, शी इज़ योर्स. अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है ना कि मेट्रो में कोई लड़की दिख गई है ना, मेट्रो में लड़कियाँ मुमन होती हैं और कभी कभी बहुत बढ़िया होती है, तो लड़के जो है ना स्टक हो जाते हैं. यार बात मिल जाए यार, कैसे मिल जाए, क्या करूँ मैं, ऐसे ऐसे मैं बात कर लूँ, मतलब क्या बात करनी चाहिए लड़कों को अगर उसे बहुत अच्छी लड़की दिख जाए तो? ना, शी कैन जस्ट से एक्सक्यूज मी, कैन वी टॉक विद ईच अदर, समथिंग लाइक दैट. दे शुड इनिशिएट and when in a very good way, in a type of complimenting her for the first time. That's a very good way of impressing any woman or a girl. One good compliment that you know we always want to hear from boys, like main bhi chahti hu kya ye ladka mere ko ye bole yaar, aisa kaun sa kya chahte ho sunne se, like beautiful or you look very slim. Yeah. मतलब ये कोड वर्ड दे दूं मैं अगर, कि अगर कोई भी लड़का अगर किसी लड़की को शेयर कर रहा है ना, और वो उसको लगे कि यार इससे मुझे बात करनी है, तो जाकर बोले यार कि तुम बहुत सही लग रही हो और बहुत पतली लग रही हो. नो, नॉट पतली लग रही इन द फर्स्ट मीट इटसेल्फ. या आई थिंक वी शुड टॉक विद ईच अदर. यू लुक, आई एम गेटिंग अ ग्रेट वाइब्स फ्रॉम यू एंड यू आर लुकिंग ग्रेट. ओके, अच्छा ये सब ये इंग्लिश में बोलना चाहिए, हिंदी में बोलना चाहिए? लैंग्वेज मैटर करती है? नहीं, लैंग्वेज मैटर नहीं करती, फीलिंग्स मैटर करती. दे शुड बी ऑनेस्ट इनफ.
मतलब ये नहीं कि जस्ट अपने लड़कों फ्रेंड्स में जस्ट टू बूस्ट अप देमसेल्व्स दे शुडंट डू दैट. ओके अच्छा कई बार ऐसा होता है ना कि लड़के जो है प्यार वाली नज़र से नहीं देखते हवस वाली नज़र से देखते हैं लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि मैं इस लड़की से बात करूँ क्या करे बात हो ताकि लड़के की जो अचीवमेंट है वो अचीव हो जाए क्या करे बात वो मतलब इन द सेंस व्हाट यू वांट टू आस्क सपोज जैसे मैंने कोई लड़की देखी मेट्रो में मुझे बहुत ही बेहतरीन लगी पर मैंने उस नज़र से नहीं देखी मैं इसे प्यार करूँगा मैंने उस नज़र से देखी कि मैं इस कुछ कुछ कर सकता हूँ तो मैं क्या करूँ ऐसा उस लड़की के पास लड़की के पास जाकर क्या बोलूँ उसे कि वो मेरे पे लगे कि चलो रवि स्टार्ट कुछ ना बोलो आजकल टाइम बहुत खराब है जस्ट ट्राई जस्ट आस्क अबाउट हर नेम एंड सर्च हर ऑन फेसबुक एंड सेंड हर रिक्वेस्ट ओके देन देन जस्ट इनिशिएट द टॉक्स ऑन फेसबुक थ्रू अ सोशल मीडिया फेस टू फेस इट्स वेरी डिफिकल्ट नो नन ऑफ द गर्ल वुड अप्रिशिएट कि फर्स्ट टाइम में मतलब एकदम से एनी बॉयज अप्रोचिंग हर शी विल ऑलवेज डाउट समथिंग इज रॉन्ग तो बस ये तो मतलब अगर मैं कहूँ कि कुछ टिप्स दे दीजिए तो एक तो हो गया कि एक तो जेन्युइन रहो या वेरी जेन्युइन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड रिस्पेक्ट वुमेन व्हिच इज वेरी रेयर इन ऑल ऑफ द बॉयज वी सी नाउ यू शुड रिस्पेक्ट वुमेन नॉट दैट गर्ल पर्टिकुलर बट द वुमेन ऑफ ऑल द सोसाइटीज यू शुड रिस्पेक्ट देम थैंक यू सो मच या वेलकम थैंक यू हैड अ ग्रेट टाइम